वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों की एक डिमांड थी कमेंट सेक्शन में, जब भी मैंने अपनी सीबीआर 600 दिखाई वीडियो में, सबने ये पूछा कितना माइलेज देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका एक फुल टैंक टू फुल टैंक माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ। उसको फुल कराएंगे और उसके बाद चलाएंगे और उसके बाद फिर से फुल कराएंगे एंड देन देखेंगे कि कितना माइलेज ये दे रही है। चलिए वाइजर डाउन, चलिए फर्स्ट गियर एंगेज्ड। एक और नया टैंक खुला है तो नए टैंक में ये रहता है। मैंने सुना है कि जो नीचे का इनका ये जो भी रिजर्वायर रहता है पेट्रोल का, वो साफ सुथरा रहता है, तो पेट्रोल भी साफ सुथरा मिलता है। तो इसका मुझे रिव्यू बताना, ये नयारा, क्या नाम है इसका, नयारा, हाँ, इसका आप मुझे रिव्यू बताएं। किसी ने अगर इस पर से डलवाया हो तो कैसा रिव्यू है, पेट्रोल कैसा है, क्या है, अच्छा पेट्रोल आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ परफॉर्मेंस चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताएं। और अभी थोड़ा सा हम रात में चला रहे हैं और हल्की हल्की बारिश की बौछार होने लगी है। CBR में मुझे इसका साउंड सबसे अच्छा लगता है। मुझे एक चीज़ इसमें बड़ी अच्छी लगी कि इसका जो साउंड है वो फट नहीं रहा। मतलब जैसे आप MotoGP में कभी साउंड सुनेंगे, जैसे आइडल पे जब हम व्हीकल आइडल करते हैं तो साउंड जो है वो बहुत फटने लगता है गाड़ियों का, तो इसका साउंड जो है बड़ा सूदिंग साउंड है, फट नहीं रहा है साउंड। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे साउंड कैसा लग रहा है। बहुत से लोग तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे साउंड की, मुझे भी जानना था। खैर मैं एक बार माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ पर क्योंकि मैंने अभी इरिडियम स्पार्क प्लग्स डाले हैं इसमें और एक स्पार्क प्लग की कॉस्ट मुझे 2500 रुपीज़ आई है और वो मतलब है ज़्यादा हीट रेंज वाले प्लग्स होते हैं। वैसे नॉर्मली आप किसी छोटी गाड़ी में इरिडियम प्लग्स डालेंगे तो 700, 750, 800 तक का आ जाता है, मगर इसका जो एक प्लग आता है इनलाइन फोर सिलेंडर है तो फोर सिलेंडर्स के लिए 4 स्पार्क प्लग्स आएंगे और 4 स्पार्क प्लग्स 2500 रुपये से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने के आए होंगे। और क्योंकि वो NGK के स्पार्क प्लग्स थे और शायद NGK वाले स्पार्क प्लग्स यहाँ पे सेल नहीं करता है इंडिया में, तो वो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो वो इम्पोर्ट कराए गए थे और मैंने कॉल्सन रेसिंग दिल्ली से ये स्पार्क प्लग्स जो है ऑर्डर करके मंगवा लिए थे। बाकी सुपर बाइक का एक दो सामान मैंने और मंगवाया था, ब्रेक पार्ट्स भी मंगवाए थे, तो ब्रेक पार्ट चेंज करने की आज कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई है, मगर जो स्पार्क प्लग्स थे उससे कुछ परफॉर्मेंस में अच्छा खासा मतलब चेंज आया। एक व्हीकल मिस फायरिंग दे रही थी क्योंकि इसमें पहले कॉपर स्पार्क प्लग्स डाले थे। कैन यू इवन इमेजिन, आर यू सीरियस, कॉपर स्पार्क प्लग्स, तो मतलब वो ऐसे हो रहे थे बिल्कुल कि अगर मैं उसको गैस पे रख दूंगा तो पिघल जाएगा कॉपर। किसी की इलेक्ट्रोड छोटी हो गई थी जल के, किसी की बढ़ गई थी। तो अभी पेट्रोल टैंक आ चुका है, अभी फ़िलहाल हम इसमें फुल कराएंगे और उसके बाद मैं आपको चला के बताऊंगा। ये खुला है इनका, एक सेकेंड, तो मैं इसका ना ये इंजन के लिए ऑफ़ करके इग्निशन भी ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि इसकी डीसी कनेक्शन पे एक लाइट जलती रहती है हेडलाइट, तो उससे क्या बैटरी पे ज़्यादा लोड पड़ता है और ये अभी अपर में थी तो इसको डिपर में कर देते हैं क्योंकि जब इग्निशन ऑन करेंगे तब भी लोड नहीं पड़ेगा। आई होप सो यहाँ पे कार्ड चल जाएगा, फुल कर दीजिएगा। एक काम इसमें यह है कि हमें पहले तो इसकी ट्रिप रीसेट करनी पड़ेगी 184 किलोमीटर्स। ट्रिप बी करते हैं रीसेट, नहीं ट्रिप ए ही करते हैं, ट्रिप ए रीसेट करेंगे 0 पे और अब देखेंगे कितने किलोमीटर्स चलती है। चलिए तो अभी मैं आपसे मिलूँगा दिन में। प्यारी सी वीली पड़ जाए तो मज़ा आ जाता है। तो अभी 0.4 किलोमीटर चली है इसमें, मैं क्या फुल करवाऊंगा इसको। जब गाड़ी 50, 60 या 100 जितने भी किलोमीटर चल जाएगी तो थोड़े दिन बाद हम मिलेंगे। मैं भी थोड़ा सा इंजन अब्यूज़ कर देता हूँ पर इग्नोर इट। अब मैं ऐसे राइड करता हूँ तो अप्रॉक्स ही गाड़ी मुझे लगता है कि 15 तक का माइलेज देना चाहिए,
15 से 20 के बीच में, आई होप सो, क्योंकि इरिडियम प्लग्स डल गए हैं तो उसके बाद अच्छा माइलेज हो जाना चाहिए। पर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेव कर रहा हूँ, एक गियर पर बहुत ज़्यादा खींच रहा हूँ, पर जैसे हम इसको अभी सिक्स गियर डल चुका है, प्यार मोहब्बत से इसको चलाएंगे तो अच्छा एवरेज गाड़ी दे देगी। पर क्योंकि ये गाड़ी प्यार मोहब्बत से चलाने की है ही नहीं तो सॉरी। कभी कभी ऐसा मुझे लगता है जब मैं ये गाड़ी चलाता हूँ तो कि कैमरे से मैं कुछ ज़्यादा आपसे बात ना करूँ, मेरी गाड़ी सब बात करके आपको बातें बता देगी। मैं पूरे दिन से बहुत बिजी था तो मैंने सोचा एक थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लिया जाए रात में। पब्लिक रिएक्शंस देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त पब्लिक रिएक्शंस मिलते हैं गाड़ी को, अभी तो हम प्यार से चला रहे हैं। ये गाड़ी अप्रॉक्स 4 किलोमीटर अभी चल गई है, तो जब ये चल जाएगी अच्छी खासी तब मैं आपको मिलूंगा और उसके बाद हम इसमें वापस फुल कराएंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट कि कितना माइलेज हमारी व्हीकल डिलीवर कर रही है। आज मैंने व्हीकल निकाली है, ये आप देख सकते हैं ट्रिप मीटर पर 58 किलोमीटर्स हो चुके हैं और जिस हिसाब से मैंने अभी इसको चलाया था, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा रफ राइडिंग इससे करी थी, बहुत ज़्यादा व्हीलीज मारी थी और अच्छा खासा मतलब एक गियर पर बहुत रेव करा था, रेड लाइनिंग करी थी, तो उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छा माइलेज डिलीवर कर पाएगी। पर फिर भी अभी हम टेस्ट करते हैं माइलेज। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं आज निकाल रहा हूँ गाड़ी और आज मैं इसको मतलब रेड लाइनिंग करूँगा, बहुत आराम से चलाऊँगा, तो जैसे मतलब टॉल गियर्स पे चलाऊँगा जो कि 5th 6th पे चलाऊँगा, ज़्यादा साउंड नहीं करूँगा, ज़्यादा रेड लाइन नहीं करूँगा। पर पता नहीं क्यों जब ऐसी गाड़ी हाथ में आती है तो मैं ऐसे चलाता हूँ। बस मुझे इसमें एक कमी ये लगती है कि थोड़ा पटाखे नहीं फोड़ती है गाड़ी। वैसे वो पटाखे जो फोड़ना है वो अच्छी बात नहीं होती, वो मिस फायर करती है गाड़ी, इसलिए फोड़ती है, क्योंकि अभी इसमें नए प्लग्स डालें तो और मुश्किल है कि पटाखा फोड़े। पर एग्जॉस्ट अगर ज़्यादा अच्छे लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन होता है तो वो भी पटाखे फोड़ता है। आप अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आप मुझे ये बताना कि अभी माइलेज कितना दे रही होगी। मेरे चलाने के हिसाब से 62 किलोमीटर्स चला ली है तो आप मुझे बताना कि माइलेज कितना दे रही होगी। उसमें हमने फुल करवाया था, अब हम इसको वापस से फुल करवाएंगे, देखेंगे कि 62 किलोमीटर्स में कितने लीटर जो है हम पेट्रोल चला चुके हैं। और पेट्रोल की प्राइस यहाँ पर बिल्कुल अंधाधुंध महंगी चल रही है, 105 या 106 रुपए लीटर चल रही है। और अभी मैंने इसके फ्रंट ब्रेक पार्ट भी चेंज करे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, तो ब्रेकिंग और बेहतर हो चुकी है गाड़ी की। पब्लिक रिएक्शंस बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं इस पर। फुल कर दीजिए, लगभग फुल ही है। कार्ड हो जाएगा ना? हाँ पूरा ऊपर तक कर दीजिएगा उसको। एक लीटर तो घर जाते जाते ही खा जाएगी। बस 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 बस, बस। कितना हुआ? 395 3.68 63 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 3.68 17.1 का माइलेज निकाल रही है व्हीकल। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है माइक पे, जबकि मैंने इतने सारे फिल्टर्स लगा के रखे हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ कर रहा है, तो हो सकता है मैं माइक चेंज करके देखूँ अगले कुछ दिनों में, माइक चेंज करके मैं लगाऊंगा, उसके बाद देखेंगे कि कैसी वॉइस क्वालिटी इसमें आ रही है। तो अभी फिलहाल 17.1 का माइलेज ये डिलीवर कर रही है जिस हिसाब से मैंने इसको चलाया था। व्हीलीज मारी थी, बहुत हार्श राइडिंग करी थी और उसी रात को जिस रात को मैंने वो वीडियो शूट करी थी उसी रात को मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज भी डाली थी व्हीलीज की एंड फ्लाई बाइज की। तो वो अगर कोई इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता तो फॉलो करिए, वहाँ पर अच्छे अच्छे फोटोज़ मिलेंगे और कुछ नई नई अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी व्हीकल के बारे में, जैसे कि ब्रेक पैड चेंज और कुछ छोटी मोटी नॉलेजेबल चीज़ें भी मैं उस पर बता देता हूँ और उस पर पता चलती रहेंगी। तो 17 का माइलेज, अब लोग ये कहेंगे भाई 17 का माइलेज दे रही है, इससे अच्छा तो स्प्लेंडर लेता। अब भाई देखो ऐसा है, इन गाड़ियों में माइलेज नहीं देखा जाता है बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जैसे ये व्हीकल डिलीवर करना चाहिए 17-18 का और डिलीवर कर रही है 5 का 10 का, तो मतलब कुछ फॉल्ट है व्हीकल में। लेकिन अगर आप मैक्स
मैक्स आप कितना ही उसको ख़राब तरीके से चला लो, अच्छे से मतलब भर के अच्छे से भगाओ, खूब भगाओ, तब भी जो व्हीकल है वो माइलेज इतना दे देती है 16-17 के आसपास का, और लास्ट टाइम 18 का भी दिया था, तो अभी प्लग्स भी चेंज हो गए हैं। अब मैं इसको आराम से चलाऊंगा तो मे बी 2022 तक चला जाएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब स्पोर्ट्स बाइक पर आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन मतलब अभी अभी धीरे धीरे लिफ्ट होना शुरू हुआ है, तो अभी एकदम नई व्हीकल्स भी आ नहीं रही हैं शोरूम पर, तो इसलिए अभी थोड़े बहुत वीडियोस हमारे इस पर ही आएंगे। आपको जो कंटेंट चाहिए वो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, वो कंटेंट आपको मिलेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो।